नमस्कार दोस्तों, आज हम बजाज का जो इंस्टेंट फ्लोरा गीजर है उसको कैसे रिपेयरिंग करेंगे और देखेंगे उसको। ये बेसिकली सिंपल चीज़ है, अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड से हो और नॉन इलेक्ट्रिकल फील्ड से कोई मतलब नहीं, अब इसको कर सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए कैसे क्या कर सकते हैं। उसके पहले हम उसका स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। देखिए इसका स्पेसिफिकेशन 1 लीटर कैपेसिटी है, मैक्सिमम वाटर हेड 60 मीटर है, इनपुट है 3 किलोवाट और वोल्टेज है 230 50 हर्ट्ज है। ओके, तो 3 किलोवाट है ये कैपेसिटी, उसको पहले हम खोलते हैं। बेसिकली जब ये हीटर में प्रॉब्लम होता है कि आपका इसका अंदर में जो थर्मोस्टाट है वो ट्रिप कर जाता है, और ये जो सिस्टम उसमें दिया गया है, इसमें एक्चुअली क्या है ना, जो सिस्टम दिया गया है इसमें बाहर से रीसेट करने के लिए ऑप्शन नहीं है। स्पेशली ये बजाज का कुछ ऐसा मॉडल है जो नहीं है, तो उसको आप खोल के रीसेट करना पड़ता है। अगर आपका ख़राब है थर्मोस्टाट तो थर्मोस्टाट बाहर से ख़रीदें, नहीं तो थर्मोस्टाट कैसे रिपेयरिंग करेंगे इस वीडियो में हम देखेंगे। तो पहले उसको हम खोलते हैं। देखिए यहाँ पे वार्निंग दिया है, डिस्कनेक्ट पावर सप्लाई बिफोर ओपनिंग द कवर। तो आप ये कवर खोलने से पहले उसको पावर डिस्कनेक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉक लगने का चांसेस हो सकता है। तो पहले हम ये जो स्क्रू दिया है उसको हम खोलते हैं। अभी ये खुल गया है, ठीक है। यहाँ पे एक लॉकिंग है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक लॉकिंग है, तो इसको धीरे से खोलिए। देखिए यहाँ पे जो लॉकिंग का ये है, वही लॉकिंग का इसके साथ ये कनेक्ट होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से खोलिए। इसका एक हीटिंग के लिए, हीटर आप जो के लिए ये एक थर्मोकूल जैसा दिया हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली आपका पानी गर्म होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे हम देखेंगे, इसका पहले वायरिंग देखते हैं। वायरिंग के देखने के बाद आप पता चल जाएगा कि कैसे क्या होता है। देखिए यहाँ पे पावर सप्लाई कॉर्ड आया, ये देखिए ये कॉर्ड आया। कॉर्ड में देखिए मैं इसको, देखिए यहाँ पे 2 है 3 वायर आया है, एक ब्लैक कलर का, ये है रेड कलर का, एक ब्लैक कलर का और एक येलो कलर का, ठीक है। ये येलो कलर का मेन काम, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, ये येलो कलर का मेन है, ये जो येलो कलर है मैं इसका मेन काम है अर्थिंग पर्पज़ के लिए, ठीक है। और ब्लैक है न्यूट्रल, ठीक है। ये है रेड वायर, ये बेसिकली सीरीज में कनेक्शन होता है, दोनों थर्मोस्टाट होता है। थर्मोस्टाट का काम मेन बेसिकली काम होता है जो डिजायर टेम्परेचर आपको जो यहाँ पे जो प्रॉप दिखा रहा है ना, ये देखिए जो प्रॉप दिखा रहा है इसमें जो सेटिंग है इतना टेम्परेचर में, उसी टेम्परेचर जब रीच करेगा ये थर्मोस्टाट वो सर्किट को कटअप कर देगा, मतलब सर्किट बंद कर देगा। तो इसलिए ये सेफ्टी के लिए भी काम आता है, ये दोनों थर्मोस्टाट है, ठीक है। तो आप इधर देखिए कनेक्शन वायरिंग का बता देता हूँ। यहाँ पे ये सीरीज में बेसिकली कनेक्शन होता है, यहाँ पे रेड वायर आया, ये थर्मोस्टाट के साथ इनपुट में गया, उसके बाद फिर इसका आउटपुट इधर में गया, इधर जाने के बाद फिर आया हीटिंग एलिमेंट। देखिए यहाँ पे ये हीटिंग एलिमेंट का दोनों प्रॉब है, यहाँ पे देखिए इसका और एक बार पता है, इनपुट आउटपुट के उसके बाद ये थर्मोस्टेट का इनपुट और ये थर्मोस्टेट का आउटपुट होने के बाद इधर हीटिंग एलिमेंट में आया। तो हीटिंग एलिमेंट में फेज गया, उसके बाद यहाँ पे देखिए न्यूट्रल कॉमन में गया है, ठीक है। तो यहाँ के लिए इंडिकेशन के लिए ये जो तार गया है इंडिकेशन के लिए, इंडिकेशन दोनों चलता है, जैसे ग्रीन हुआ और एक रेड हुआ। तो ग्रीन नॉर्मली पावर सप्लाई ऑन होने के लिए और रेड हुआ आपका जब हीटिंग होता है, ठीक है। तो इसका वायरिंग भी ऐसे दो न्यूट्रल वायर गया है और एक फेज इधर गया है और एक फेज इधर गया है, ठीक है। तो और एक फेज इधर गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें बेसिकल क्या प्रॉब्लम होता है। मैं जो बताया ना रिसेट, यहाँ पर नॉर्मली ये ट्रिप हो जाता है इसका। यहाँ पर देखिए लिखा है क्या, थोड़ा सा देखिए ध्यान से देखिए लिखा है क्या, रीसेट। ओके, मैं थोड़ा सा स्टील कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ये है रीसेट बटन, ठीक है। ये रीसेट बटन यहाँ यूज के बाद कभी कभी क्या ना रीसेट बटन ट्रिप हो जाता है, तो इसको आपको रीसेट करना पड़ता है, ठीक है। लिखा है रीसेट बटन, तो यहाँ पे आप रीसेट कर सकते हैं। तो अगर ये रीसेट बार बार करना पड़ता है तो इसका मतलब आपका प्रॉब्लम है।
तो इसको आप कैसे सॉल्व शॉर्ट आउट करेंगे, तो पहले हम देख लेते हैं कैसे इसके थर्मोस्टेट के अंदर में क्या क्या मैकेनिज्म है और इसको कैसे रिपेयर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये दोनों कनेक्शन है, हम कनेक्शन को पहले खोल लेते हैं। ये दो स्क्रू लगा हुआ है, ठीक है, ये निकल गया, इसको इसके अंदर खोल लेते हैं। और इधर भी एक स्क्रू है, फिर उसको हम ऐसे ऐसे खींच लेते हैं तो निकल जाएगा ये थर्मोस्टेट। ठीक है, ये आ गया हमारा थर्मोस्टेट। ठीक है, थर्मोस्टेट में और दिखा देता हूँ, यहाँ पे रीसेट बटन हुआ है, देखो देखिए यहाँ पे इनपुट गया है और इसमें आउटपुट आया है। ये है जो नॉब है, ये इसको आप टेम्परेचर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो उसको इसमें खोल के देखते हैं, इस साइड में देखिए तो यहाँ पे लॉकिंग है, यहाँ पे लॉकिंग है, ये दोनों लॉकिंग खोलने से ये कवर खोलता है, तो हम उसको खोलते हैं। देखिए अभी ये खुल गया है, ठीक है, देखिए इसको हम इधर देखते हैं। ठीक है, ये है आउटपुट का, ये है इनपुट का, इधर देखिए एक मैकेनिज्म है, ये थोड़ा सा ध्यान देखिए, ये जो मैकेनिज्म है ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे ये जो सर्किट है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो यहाँ पे है ये है ना, क्लोज है सर्किट। अगर ये ट्रिप कर जाएगा, ठीक है, तो कैसे ट्रिप करेगा, सपोज ज़्यादा जब टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है, तो टेम्परेचर जब हो जाएगा तो ये सर्किट को डिसकनेक्ट मतलब ऑफ कर देता है। तो कैसे करता है, देखिए कैसे करता है, थोड़ा मैं देख लेता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे इसको हम दबा देते हैं तो सर्किट क्या हुआ, ऑफ हो गया, मतलब सर्किट ओपन हो गया। तो फिर अगर जब टेम्परेचर सर्टन टेम्परेचर मतलब ये घट जाएगा तो ऑटोमेटिक ये ऐसे रीसेट होना चाहिए। ठीक है, मैं इसको मैनुअल किया, ये मैनुअल जो रीसेट बटन है उसको आप यहाँ, ये जो है ना प्रॉब है, ये मैं रीसेट बटन के लिए है, ये रीसेट बटन काम करता है जब ये ऑटोमेटिक रीसेट नहीं होता। ये ऑटोमेटिक रीसेट होना चाहिए क्योंकि इसमें जो है ना ये जो थर्मोस्टाट है, थर्मोस्टाट का सर्टन टेम्परेचर होने से ये रीसेट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर नहीं होता है तो इसका मतलब कि कहीं भी कारण होगा, ज़्यादा टेम्परेचर हो गया या इसका मॉडल फंक्शन हुआ, तो इसके कारण ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये है इसका मतलब सेटिंग पोर्शन, कितना टेम्परेचर आप सेट कर रहे हैं ये प्रॉब को घुमाएंगे तो इसी तरह ये क्लोज, अगर सर्किट ओपन है तो आपका टोटल ये यहाँ पे सप्लाई नहीं आएगा, इसका आउटपुट में नहीं आएगा तो लाइट नहीं जलेगा, और हीटिंग एलिमेंट को सप्लाई नहीं आएगा तो वाटर नहीं गर्म होगा। तो इसी तरह ये होता है। देखिए फिर एक बार मैं दिखाता हूँ इसको, इधर सपोज किसी कारण इसमें ट्रिप हो गया, देखिए ये मैं प्रेस किया तो ओपन हो गया सर्किट और ये इसको रिसेट करने से क्लोज हो गया। ये जो है ये इसको दबाता है, ठीक है ना, ये इसको मैं दिखा देता हूँ एक मिनट। हाँ, ये जो है इसको जब टेम्परेचर आएगा इसको ऐसे दबाएगा, ठीक है ना, ये मैकेनिज्म काम करना चाहिए। अगर नहीं कर रहा है तो इसका मतलब थर्मोस्टेट ख़राब है ये, तो या फिर थर्मोस्टेट थोड़ा सा कम सेटिंग में कीजिए, थोड़ा सा कम टेम्परेचर में वाले क्वार्टर का जो आउटलेट है सपोज 70 डिग्री रखें कि 50 डिग्री रखें तो थोड़ा सा कम करके देखिए टेम्परेचर का, शायद वो काम कर सकते हैं। अगर नहीं काम करेगा तो इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है, इसी तरह ये है थर्मोस्टेट। ठीक है, तो इसको मेरा ट्रिप हुआ था, मैं रिसेट कर लिया, अभी हम उसको फिक्स कर लेते हैं, फिक्स करके चालू कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह ये भी जो थर्मोस्टेट है दोस्तों, ये भी है, ये भी सेम सर थर्मोस्टेट है, ठीक है ना, दोनों थर्मोस्टेट सेम है, इसका भी यही है। ठीक है, तो चलिए फिर इसको लगा देते हैं, लगा के ट्रायल करते देखते हैं। तो आज के लिए इतने दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट एक सिंप्लीफाई ट्रिक से कैसे हम इक्विपमेंट को रिपेयर कर सकते हैं हम बताने के लिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, जय हिंद जय भारत।